बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का बुधवार को उम्र संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया। इसकी पुष्टि उनके परिवार ने की है। वह 98 वर्ष के थे। उन्होंने हिंदुजा अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। यहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद भर्ती कराया गया था। यह दूसरी बार था जब दिलीप कुमार जून के महीने में सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे। इससे पहले दिलीप कुमार 6 जून को अस्पताल में भर्ती हुए थे। उस वक्त उन्हें सांस की समस्या के साथ साथ बाइलेटर फ्यूलर इन्फ्यूजन की दिक्कत हुई थी। पिछली बार तो दिलीप कुमार 5 दिनों के बाद अस्पताल से वापस आ गए थे, लेकिन इस बार वह दुनिया को अलविदा कह गए और अपने पीछे छोड़ गए अपनी पत्नी सायरा और देश दुनिया में मौजूद लाखों फैंस को। दिलीप कुमार को उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने दौर में वो शानदार काम किया जिसकी वजह से वह आज भी सबके दिलों में अपनी जगह बनाए बैठे हैं। दिलीप कुमार के फिल्मी करियर की शुरुआत 1954 में आई फिल्म ज्वार भाटा से हुई थी। हालांकि इस फिल्म ने उन्हें खास पहचान नहीं दिलाई। दिलीप कुमार को असली पहचान फिल्म जुगनू से मिली। इस फिल्म के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने इसके बाद राज कपूर के साथ फिल्म अंदाज में काम किया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। दिलीप कुमार ने दीदार, देवदास और मुगले आजम जैसी फिल्म में सीरियस एक्टिंग करके अपने अलग पहचान बना ली थी, जिसकी वजह से वह ट्रेजेडी किंग कहलाए। दिलीप साहब आखिरी बार फिल्म किला में नजर आए थे। अठानबे साल की उम्र में लेजेंडरी एक्टर दिलीप साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक्टर लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिलीप साहब के आखिरी वक्त में भी उनकी बेगम सायरा बानो साये की तरह उनके साथ रही। दिलीप साहब अपनी फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी हमेशा सुर्खियों में रहे। मधुबाला से प्यार और आधी उम्र में सायरा बानो से शादी दिलीप साहब की असल जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। 1994 में जन्मी सायरा भारत पाक विभाजन के बाद लंदन जा बसी। छुट्टियां मनाने सायरा जब भारत आती तो दिलीप कुमार की फिल्मों की शूटिंग देखने जाती। सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में ये माना कि जब वो 12 साल की थी तब से ही दुआ करती थी कि काश उनकी शादी दिलीप कुमार से हो जाए। इसके बाद सायरा बानो फिल्म की तरफ एक सक्सेसफुल अभिनेत्री बनकर उभरी। उन्होंने कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। इस दौरान सायरा बानो को बॉलीवुड अभिनेता राजेंद्र कुमार से प्यार हो गया। हालांकि राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे। जब ये बात सायरा बानो की माँ को पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाया। इसके बाद सायरा बानो को खुद दिलीप कुमार ने भी समझाया और तभी सायरा बानो ने उनसे ही शादी करने की बात कह डाली, जिसे दिलीप कुमार ने स्वीकार कर लिया। 1996 में दोनों शादी के बंधन में बंधे। दिलीप कुमार शादी के वक्त 44 साल के थे और सायरा बानो 22 साल की थी। उसके बाद से अब तक दिलीप और सायरा बानो ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। यह दुखद खबर मिलने के बाद दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी सबसे पहली सेलेब्स थीं जो दिलीप साहब के घर पहुंची। बाद में अनुपम खेर, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, अनिल कपूर, निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर और उनकी पत्नी अभिनेत्री विद्या बालन, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी दिलीप कुमार के घर पहुंचे। बॉलीवुड के किंग खान, जो दिलीप कुमार के बेहद करीबी लोगों में से एक हैं, वह भी उनके घर पहुंचे। निर्माता करण जौहर को भी दिलीप कुमार के घर के बाहर देखा गया। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर भी दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। अभिनेता जॉनी लीवर को भी दिलीप साहब के घर के बाहर देखा गया। वहीं दिलीप साहब की एक प्रशंसक उनका आखिरी दीदार करने उनके घर पहुंची। इस दौरान जब उनसे बात की गई तो वह अपने सबसे पसंदीदा अभिनेता को याद कर रोने लगी। आपसे कुछ बात हुई थी इसके पहले जब वो स्वस्थ थे?
जोर से बोलो उनको, आपकी कुछ बात हुई थी उनसे? बीमार थे यही? नहीं, कितने दिन से बीमार वो करते थे। मैं उसको फोटो लाना भूल गई थी, फोटो बताते ना अभी सब अंदर जाना था। बहुत अच्छा बहुत प्यारा आदमी था, बहुत प्यारा, औरत ने बहुत किस्मत। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के जुहू स्थित सांता क्रूज कब्रिस्तान में किया गया। 98 साल के ट्रेजेडी किंग ने आज सुबह मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया और एम्बुलेंस पर सवार करने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर वहां मौजूद सभी की आंखों में दुख के आंसू छलक रहे थे। वहीं कब्रिस्तान में भी अपने दिग्गज अभिनेता के अंतिम दर्शन करने वाले फैंस की भीड़ इकट्ठा थी। दिलीप साहब के जनाजे में उनकी पत्नी सायरा बानो, सुभाष घई, महानायक अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन सहित परिवार के अन्य लोग कब्रिस्तान में मौजूद थे। दिलीप कुमार अपने पीछे अपनी बेगम सायरा बानो और लाखों फैंस को छोड़ गए हैं, जिनके दिलों में दिग्गज अभिनेता हमेशा जिंदा रहेंगे। INS रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स।